हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय द सर पर। और गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट मैं सीरीज लेके आया हूँ। लिटरेचर के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं, बच्चों के मैसेज आए थे कि सर लिटरेचर के क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, तो मैंने उसको इंक्रीज कर दिया है। इंग्लिश बाय उदय सर एक ऐसा चैनल है जहां ग्रामर और लिटरेचर दोनों को बैलेंस कर कर चला जा रहा है, दोनों को बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बैलेंस्ड फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है, राइट। और अगर पेड बैच के बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, विलियम शेक्सपियर पार्ट 2 आज रात तक अपलोड कर दिया जाएगा बेटा, आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं कभी कभी कि जो हर बच्चे से शेयर नहीं की जा सकती बेटा, तो 1-2 दिन का टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, आज शाम को अभी रात में 10:30 तक वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, पार्ट 38 लेके आ गया हूँ। टिल सिलेक्शन ये सीरीज चलती रहेगी, चाहे आप तैयारी कर रहे हो TGT की, PGT की, जूनियर एडेड की, किसी भी एग्जाम्स की, इंग्लिश की बेस्ट से बेस्ट क्लास मैं आपको दूंगा, बेस्ट से बेस्ट सीरीज दूंगा। स्पेलिंग की, वोकैबुलरी की, इडियम्स की, फ्रेजल वर्ब की सारी क्लासेस यहाँ अपलोड की जाएंगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अभी बहुत सारी लिटरेचर की ट्रिकी क्लासेस भी मैं अपलोड करूंगा, जहां पर आपको डेट्स नहीं रटना पड़ेगा, जहां पर आपको वर्ब्स नहीं रटना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ गाइस, बहुत कुछ मैं आप लोग के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल है गाइस, टेलीग्राम चैनल में सबसे पहले जुड़ जाइए, क्योंकि हर इंडिविजुअल बच्चे को मैं शेयर नहीं कर सकता वीडियो। टेलीग्राम चैनल में मैं इंग्लिश बाय उदय सर के सारे वीडियोज अपलोड करता हूँ अपने चैनल के। इसके अलावा अन अकेडमी पर टीचिंग ज्ञान पर भी मैं क्लास लेता हूँ, वहाँ की सारे नोटिफिकेशन भी यहाँ आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आपको 3 से 4 घंटे की क्लासेस मिलेंगी अगर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, बेहतर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जूनियर एडेड, TGT, PGT सभी के लिए ये बहुत बेस्ट होने वाली है सीरीज। ये ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, 8299752730, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। क्लास देखने के बाद कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे तुरंत कॉल करें, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप मुझे तुरंत कॉल करें, आई विल हेल्प यू। इसके अलावा गाइज आप देख सकते हैं 9616947257, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फेसबुक पर इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से पेज है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो पूरे डेडिकेशन, परसिवियरेंस, जस्ट एंड जील के साथ लगे रहिए। एग्जाम होने की संभावना है, 2 से 3 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, तो आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करते रहिए, हम लोग भी पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। पेड बैच, जिस बच्चे को भी पेड बैच ज्वाइन करना है गाइस, पेड बैच ज्वाइन करना है, तो कोविड को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए मैं देख रहा हूँ 50 से 60% बच्चे जिन्होंने पेड बैच ले रखा है ऑलरेडी प्राइवेट टीचर हैं, स्कूल नहीं चल रहे हैं, बहुत से लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है। तो प्लीज़ मेरा, वैसे भी मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ तक हो सके सभी लोग फीस बहुत कम रखिए, ताकि हर बच्चा अफोर्ड करके पढ़ सके। मैंने भी ऑलरेडी 60% डिस्काउंट कर दिया है पेड बैच के लिए, चाहे आप TGT का पेड बैच लेना चाहते हो, चाहे PGT का लेना चाहते हो, चाहे जूनियर एडेड का लेना चाहते हो, कम से कम जब तक जो चीज़ें नॉर्मल ना हो जाए, नॉर्मल लाइफ लोगों की ना चलने लगे, तब तक बेटा फीस में 60% का डिस्काउंट रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बैच, राइट। 9616947257 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल, अपना नेम, सिटी, स्टेट लिखकर भेज दीजिए, आपको पेड बैच की सारी जानकारी मिल जाएगी। 9616947257 पर व्हाट्सएप करना है आपको, ठीक है। कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं वो कोर्स और अपना नाम, नीचे वाले नंबर पर आप क्वेरी करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट या कॉल भी कर सकते हैं, 8299752730 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, मुझे कोई जल्दी नहीं, बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूँ मैं। एक बार एक बच्चे का मैसेज आ गया था, सर थोड़ा सा आराम से बोल दिया करिए, तो ठीक है, सभी का ध्यान रखना है। चूज द वन विच वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, इसमें से एक वो वर्ड आपको चुनना है जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है इस वर्ड की मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, सिनोनियम बता रहा है। यानी डोसाइल का मतलब क्या होता है, डोसाइल का मतलब होता है बेटा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विनम्र बोल सकते हो, सबमिसिव बोल सकते हो, लीजिए आंसर भी आ गया, सबमिसिव बोल सकते हो, सॉफ्ट आप कह सकते हैं या नाइस आप कह सकते हैं, सब इजी वर्ड्स हैं। तो डोसाइल का मतलब होता है सबमिसिव, करेक्ट सिनोनियम हो जाएगा सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब भी होता है सॉफ्ट, विनम्र, बहुत आदर सम्मान करने वाला, एडजेक्टिव वर्ड है सबमिसिव। डोसाइल वर्ड भी एडजेक्टिव है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। स्टबर्न बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टबर्न अपोजिट है, स्टबर्न का मतलब ही होता है ऑब्स्टिनेट। क्या मतलब होता है गाइस, ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी होना, बहुत हटी होना, इसको आप लोग डोगट भी बोल सकते हो, डोगट का मतलब भी होता है जिद्दी, हटी, ऑब्स्टिनेट बोल सकते हो, एडमेंट आप बोल सकते हो इसको, कई सारे वर्ड है वोकैबुलरी की सीरीज में, ये वर्ड मैं कराऊंगा आप लोग को। स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग का मतलब पता ही है मजबूत, चेंजेबल का मतलब होता है जो चेंजेबल, परिवर्तनशील, जो स्थिर ना हो, यानी आप कह सकते हो अनस्टेबल, क्या कह सकते हो गाइस, अनस्टेबल या टेम्परेरी कह सकते हो, चेंजेबल
अस्थिर कह सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल वर्ड है लेकिन आया हुआ है आपके पीजीटी के एग्जाम में, ऑलरेडी आया हुआ है। और गाइज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप लगा डालें, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर आप लगा डालें, तो 40% आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ किस लेवल का पेपर आ रहा है। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर टीजीटी का ये लेवल है, पीजीटी का ये लेवल है। बेटा ग्रामर में किसी का कोई लेवल नहीं, ग्रामर पूरी पढ़नी पड़ती है बेसिक से, राइट। बाकी टीजीटी में 4 राइटर्स हैं, पीजीटी में लगभग 17 राइटर्स हैं, इस तरह से आपको अलग अलग पढ़ना है। लिटरेचर में चीजें डिफरेंट हैं, ठीक है, उसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट ग्रामर एक ही होती है, राइट। तो योर आंसर विल बी सबमिसिव, सबमिसिव इज द राइट आंसर। जो साइल का जो करेक्ट सिनोनियम हो जाएगा वो सबमिसिव हो जाएगा। अगला ये देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिटरेचर का, और गाइज मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आप लोग को लिटरेचर के कराऊं, ताकि आप लोग की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ एजी गार्डनर। बहुत से ऑथर और फिगर ऐसे होते हैं जो अपना वर्क पेन नेम से पब्लिश करते हैं, अपने ओरिजिनल नाम से नहीं पब्लिश करते हैं। इसके इकोनॉमिक पॉलिटिकल बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो आप लोग को बताना है व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ एजी गार्डनर का पेन नेम बताना है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, डी। ये मैंने पेड बैच में भी क्वेश्चन कराया है प्रैक्टिस सेट में, अल्फा ऑफ द प्लग, ठीक है, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, ठीक है, 2 जून 1865 से 3 मार्च 1946। इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, एजी गार्डनर पर एक वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। वॉज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट, ये एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे, ऑथर थे। His essays written under the layout of Alpha of the Plug. इनके जो ऐसे लिखे जाते थे वो कौन से पेन नेम के अंतर्गत लिखे जाते थे, Alpha of the Plug, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। और ही वॉज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द नेशनल एंटी स्वेटिंग लीग। ये नेशनल नेशनल एंटी स्वेटिंग लीग के चेयरमैन भी थे, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऑलरेडी बेटा जीआईसी के एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, राइट। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी की, तो देखिए टीजीटी की प्रिपरेशन तो अपने आप हो जाएगी अगर आप पीजीटी पर फोकस्ड हैं, राइट। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पेड बैच पीजीटी का ले चुके हैं, तो मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन आप लोग देखिए, जूनियर एडेड आपका क्लियर हो रहा है, और टीजीटी के लिए मैं इसमें ही कुछ इसमें भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अलग से भी सीरीज चलाऊंगा, ठीक है। तो अल्फा ऑफ द प्लग तो सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है क्लास, इवन आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल होने वाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं बेटा, आप लोग देख लें, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, ये मैंने डेट ऑलरेडी आपको बताई है। कुछ इनके नोटेबल बुक्स हैं, पिलर्स ऑफ सोसाइटी 1913, प्रॉफिट प्रीस्ट एंड किंग्स 1908, द वॉर लॉर्ड 1915, पेबल्स ऑन द शो, ठीक है। इसके अलावा देखिए लीव्स इन द विंड, द एंग्लो अमेरिकन फ्यूचर 1920, व्हाट आई सॉ इन जर्मनी, लेटर्स फ्रॉम जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, लाइफ ऑफ जॉर्ज कैडबरी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, और सारे ऑलरेडी एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई सा भी वर्क बेटा पूछा जा सकता है। तो एक बार नहीं, दो बार आप ये वीडियो देख लेंगे, सुन लेंगे, ऑडियो भी सुन लेंगे, तो भी बेटा बहुत बेहतर होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, किसी वर्क की डेट में कोई प्रॉब्लम हो गाइस, आप मुझे तुरंत मैसेज करें, कैसे लग रही क्लास ये भी बताएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड की ग्रीक ट्रेजिडी का आपको नाम बताना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। मेसिरिनस, शोराब एंड रुस्तम, मिरोप और थ्रेसिस। तो क्या आंसर होगा गाइस, बिल्कुल सही जैसा आप सोच रहे हैं वही आंसर है, मेरोप इज द राइट आंसर। मेरोप इज अ क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन 1867 में लिखी गई थी, ये क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी थी, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में, ठीक है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड की भी डेट याद रखिए आप लोग, दिसंबर 24 1822। एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें सबकी बॉर्न डेथ एक ट्रिकी मेथड से बताऊंगा, कभी आप नहीं भूलोगे, राइट। एंड डाइड अप्रैल अप्रैल 15 1888। एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा, वैसे सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मीरोप इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट पब्लिश नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी। अभी तक जितने ही मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी। क्या लग रहा है गाइस, आप लोग गेस करें, ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है
और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कई बार एग्जाम में भी आया है, ये भी जीआईसी में ऑलरेडी आया हुआ है, जीआईसी के एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेस्परेट रेमेडीज, ठीक है। डेस्परेट रेमेडीज लिखा तो बाद में गया, लेकिन पब्लिश ये पहले हुआ था बेटा, डेस्परेट रेमेडीज। थॉमस हार्डी की भी डेट आप लोग याद रखें, 2 जून 1840 से 11 जनवरी 1928, ठीक है। तो डेस्परेट रेमेडीज इज द राइट आंसर, ठीक है। इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं गाइस, याद रखिए। पहला पब्लिश्ड जो इनका नॉवेल था वो डेस्परेट रेमेडीज था। इनके कुछ इंपॉर्टेंट और नोटेबल वर्क्स हैं। मेरा प्रयास रहता है कि ड्यूरिंग द क्लास, वाइल टेकिंग द क्लास, मैं आप लोग को ज्यादा से ज्यादा वर्क क्लियर करा पाऊँ। डेस्परेट रेमेडीज ये एक नॉवेल है 1871, ठीक है। डेस्परेट रेमेडीज, द पुअर मैन ऑफ द लेडी, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल 1872, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये सब बेटा ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878, द वुडलैंडर 1887, वेसेक्स टेल 1888, ये कलेक्शन है एक शॉर्ट स्टोरी का गाइज। लाइफ लिटिल आयरनीज 1891, आयरनीज को, आयरनी को बोलते हैं विडंबना होना। ज्यूड द ऑब्सक्योर, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, ये एक नॉवेल है 1873 की। द ट्रम्प मेजर 1880 की ये वर्क है। तो ये सारी डेट भी मैंने मेंशन कर दी है। क्लास देखिए बच्चों, आप लोग एंजॉय करिए, और किसी भी डेट में कोई डाउट हो आप मुझे तुरंत मैसेज करिए। ये मैंने उन्हीं इंपॉर्टेंट वर्क्स को उठाए हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए और पूछे जाने की पूरी संभावना है, राइट। क्योंकि आई नो वेरी वेल, वर्क तो ऐसे देखा जाए बहुत है, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें उन्हीं वर्क को देखना है जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द रेफरेंस ऑफ द बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द रेफरेंस ऑफ द फेथफुल शेफर्ड अपियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम। फेथफुल शेफर्ड ये किस पोयम में अपेयर हुआ है? तो देखिए आइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर है जो आप लोग सोच रहे हैं, वही इसका आंसर है रग्बी चैपल। रग्बी चैपल ऑफ द फेथफुल शेफर्ड अपियर इन मैथ्यू अर्नॉल्ड पोयम। मैथ्यू अर्नॉल्ड की पोयम थी रग्बी चैपल इन 1867 में, इसमें अपेयर हुआ था फेथफुल शेफर्ड। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बेटा पीजीटी 2016 में ऑलरेडी आया हुआ है। तो आंसर विल बी सी इज द राइट आंसर गाइस, ठीक है। बर्टन रसेल वॉज बॉर्न इन द ईयर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑलरेडी कई एग्जाम में आया हुआ है गाइस, ठीक है। और बार बार मैं कह रहा हूं, किसी भी डेट में कहीं कोई डाउट हो आप मुझे जरूर मैसेज करिएगा। बर्टन रसेल वॉज बॉर्न इन द ईयर, क्या लग रहा है आप लोग गेस करें, ठीक है, गेस जरूर करें बेटा, क्या लग रहा है आप लोगों को? तो बिल्कुल सही लग रहा है, 1872, डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। बर्टन ऑर्थर विलियम रसेल, थर्ड अर्ल ओम FRS, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। वॉज अ ब्रिटिश पॉलीमैथ, फिलोसफर, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, राइटर, सोशल क्रिटिक, पोलिटिकल एक्टिविस्ट एंड नोबेल लॉरिएट भी थे। तो 1872 में इनका बिल्कुल सही है बॉर्न हुआ था, ठीक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क गाइस इनके देखते हैं हम लोग। जर्मन सोशल डेमोक्रेसी 1896, एन एसे ऑन द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री, द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी 1912, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन 1927, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। देखिए अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी जो इनका वर्क है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है और आगे मैंने भी पूछा है, तो याद रखिएगा अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी 1945। इसके अलावा देखें ह्यूमन नॉलेज 1948, अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल लंडन 1949, ये सारे इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, आप लोग याद रखें गाइस, ठीक है। वी आर प्राउड, ये देखिए एरर का क्वेश्चन आ गया है। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड नेम, नो एरर, ये फर्स्ट पार्ट है, ये गाइस सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। तो वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन, देखिए प्राउड जो वर्ड होता है ना, प्राउड जो है ये एडजेक्टिव होता है, ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। जैसे मैंने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, तो यहाँ गर्व की बात हो रही है पॉजिटिव, लेकिन मैंने कहा डोंट बी प्राउड है ना ऑफ योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों पर ज्यादा घमंड ना करिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। इसका जो नाउन होता है प्राउड का नाउन बेटा प्राइड होता है। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर इज अवर प्राउड नहीं होगा, सचिन तेंदुलकर इज अवर प्राइड होगा, राइट। तो इसका नाउन जो होता है, तो खैर ये तो एक अलग की चीज मैंने बता दी। इसमें आइए देखते हैं एरर कहाँ है। वी आर प्राउड टू अनाउंस, कंजंक्शन दैट आ गया, और दैट कंजंक्शन के आते ही नया सब्जेक्ट नया वर्ब आता है। एवरी वन की बात हुई है, ऑफ प्रेपोजिशन के पहले एवरी वन आया, यानी आपका सब्जेक्ट क्या है, एवरी वन है,
तो बेटा एवरीवन के साथ हैव नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, हैज आ जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूं, एवरीवन हो गया, समवन हो गया, नोवन हो गया, एवरीबडी हो गया, ठीक है, वन हो गया, इन सभी के साथ, समवन हो गया, एवरीथिंग हो गया, सभी के साथ बेटा हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है। क्या आता है गाइज? हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहां क्या हो जाएगा? दैट एवरी वन ऑफ अस हैव नहीं होगा, हैज अर्नड अ गुड नेम, ठीक है, एक अच्छा नाम अर्न किया है, तो हैज हो जाएगा, हैव नहीं होगा। तो एरर जो थी पार्ट थर्ड में थी, ठीक है गाइज, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ विलियम हैजलेट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जो वर्क है विलियम हैजलेट का नहीं है गाइज? तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो आप लोग समझ रहे हैं वही है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज एन इंग्लिश चिल्ड्रेन बुक। ये एक इंग्लिश चिल्ड्रेन बुक है जो लिखी गई है ब्रदर, किसने लिखा है? ब्रदर और सिस्टर है, ब्रदर और सिस्टर है। ब्रदर का नाम है चार्ल्स लैम्ब और सिस्टर का नाम है मैरी लैम्ब। आर वाई है, डबल आर वाई मत लगा दीजिएगा, बहुत बच्चे नोट्स में डबल वाई लिखे रहते हैं तो गलत हो जाएगा। चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब इन 1807 में लिखी गई है, ब्रदर और सिस्टर चार्ल्स और मैरी लैम्ब के द्वारा। यहाँ बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, कितनी बुक्स इन्होंने लिखी, कौन कौन सी बुक थी, सब मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें आपको क्लास में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। और दिस बुक इज डेजिग्नेटेड टू मेक द स्टोरीज ऑफ शेक्सपियर प्ले फैमिलियर टू द यंग, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये जो वर्क है ये विलियम हैजलेट का नहीं है, ठीक है। तो विलियम हैजलेट के भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, नोटेबल वर्क है गाइज, आप लोगों को पता होने चाहिए। फ्री थॉट ऑन पब्लिक अफेयर 1806, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन 1805, द राउंड टेबल अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन लिटरेचर मैन एंड मैनर्स कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले 1817। इसके अलावा देखिए लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोइट्स 1818, अ व्यू ऑफ द इंग्लिश स्टेज 1818, पॉलिटिकल एसेज विद स्केचेस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर्स 1819, टेबल टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल टॉक 1821 से 22 के बीच, और लेबर एमोरिस और द न्यू पिग्मलियन 1823, द स्पिरिट ऑफ द एज। ये क्वेश्चन बेटा आया है, द स्पिरिट ऑफ द एज वर्क अलग से भी बेटा एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। सारे वर्क एक बार आप फिर से सुन लीजिए, देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे गाइस। द प्लेन स्पीकर ओपिनियन ऑन बुक्स मैन एंड थिंग्स 1826, नोट्स ऑफ अ जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली 1826, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इसके, विलियम हैजलेट के, ठीक है। तो गाइज आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी वॉज रिटन बाय, अभी मैंने पीछे बताया था कि अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी अलग से क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी पीछे किया है बेटा। तो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, एम के गांधी नहीं, बर्टन रसल इज द राइट आंसर। अभी बर्टन रसल के कई वर्स मैंने, ये देखिए कई वर्स मैंने बताए थे और यहाँ मैंने ऑलरेडी बताया था, ये देखिए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी ऑलरेडी मैंने पीछे बताया था, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन डालने का आशय, इंटेंशन मेरा यही था, मोटिव मेरा यही था कि वर्ग से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप लोग देख सकते हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट बाय शेक्सपियर, इसमें से कौन सा जो प्ले है जो शेक्सपियर का नहीं है, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, एडवर्ड सेकंड। एडवर्ड सेकंड जो है वो शेक्सपियर का नहीं है, आप लोगों को पता ही है, 154 सोनेट, 37 प्लेज, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, ये सब आप लोगों को पता है। मैं डिटेल से शेक्सपियर पढ़ा भी रहा हूं इस समय पेड बैच में, तो और बेहतर पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा इंपॉर्टेंट कोट्स, उनके वर्क्स, उनकी डेट्स, सब पेड बैच में पढ़ाया जाएगा। तो एडवर्ड सेकंड इज द राइट आंसर। फिर ये है किसका? एडवर्ड सेकंड इज नॉट अ वर्क बाय विलियम शेक्सपियर, इट इज अ प्ले विच वॉज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। किसका है? क्रिस्टोफर मार्लो। गाइज यूनिवर्सिटी विट्स सुना होगा आप लोगों ने, एक यूनिवर्सिटी विट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कहा जाता है अगर ये जिंदा होते तो बेटा शेक्सपियर का जितना नाम है उतना ना होता, अगर क्रिस्टोफर मार्लो जीवित होते, राइट, बहुत बड़ा नाम थे, ठीक है। एडवर्ड सेकेंड ये इनका वर्क था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, द लाइन्स एज कैन नॉट विटर हर नॉट कॉस्ट्यूम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी अकर इन। बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है, ये लाइन्स आपको बतानी है कहाँ से ली गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लिया गया है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा से लिया गया है, एक्ट टू, ठीक है, एंड
सीन टू, एक्ट भी टू है और सीन भी बेटा टू है, एक्ट टू था, सीन टू से ये लाइन ली गई है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, व्हाट डिड रॉबर्ट हेमिंग्वे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, फॉर लिटरेचर दो बार लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रिंटिंग एरर है, आपको ये बताना है रॉबर्ट हेमिंग्वे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो 1931 आप लोग गेस करिए बेटा क्या होगा इसका, गेस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज हो सकता है अगर मैं आप लोगों को होमवर्क में भी एक क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि होमवर्क जब मैं क्वेश्चन देता हूं तो बच्चे बहुत अवेयरनेस के साथ आंसर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1954, फिर से मैं बता दे रहा हूं, इस लाइन को आपको नहीं देखना है, फॉर लिटरेचर दो बार लिख गया है। तो व्हेन डिड रॉबर्ट हेमिंग्वे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो बेटा 1954, अर्नेस्ट हेमिंग्वे हो जाएगा, रॉबर्ट हेमिंग्वे गलत लिख गया है, पहली चीज तो ये क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे होना चाहिए, अर्नेस्ट हेमिंग्वे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1954 इज द राइट आंसर। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1954, ठीक है। तो दो सुधार इस क्वेश्चन में आप कर लीजिएगा, प्रिंटिंग एरर थी, टाइपिंग वाले ने थोड़ी एरर कर दी है, जो क्वेश्चन में नेम है वो याद रखिएगा, ठीक है गाइस, याद रखिएगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे लिखा हुआ है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे लिखा हुआ है, और फॉर लिटरेचर दो बार टाइप हो गया था, खैर इतना तो आप लोग समझदार हैं, डी इज द राइट आंसर। अगला देखें, करेक्टली स्पेल्ड द वर्ड सिजेरियन, करेक्टली स्पेल्ड आपको वर्ड बताना है सिजेरियन की, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो गाइस सारी स्पेलिंग गलत है, जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, सिजेरियन, ठीक है। तो ये ई देखिए इसे पहले आ गया है, ठीक है, ई पहले नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ भी कट जाएगा इसकी वजह से, तो याद रखिएगा लास्ट में इसमें ई आ गया, ई नहीं आएगा, तो करेक्ट स्पेलिंग गाइस है सी, सिजेरियन की, ठीक है। सिजेरियन बोलते हैं, सिसेरियन नहीं बोलते, सिजेरियन प्रोनाउंसिएशन में जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो सी आया हुआ है, पीजीटी में ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। और स्पेलिंग पर अलग से मैं सीरीज भी चला रहा हूँ, वो चलेगा पेड बैच में, स्पेलिंग का कोई वीडियो मैंने डालूंगा, स्पेलिंग हो गया, वोकैबुलरी हो गया, सब फ्री में इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। अगला देखें, गॉड्सवर्थीज मास्टर पीस इज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और टीजीटी के ये ऑथर हैं, टीजीटी में आएंगे, कॉमनली पीजीटी में ही पूछे जाएंगे। तो गाइज आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन देख के बेटा अब तक अधिकतर बच्चों के मन में आंसर भी आ गया होगा। गॉड्सवर्थीज मास्टर पीस इज द फोर्थ साइड सागा, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, द फोर्थ साइड सागा, गॉड्सवर्थीज, ठीक है, इनिशिएटेड द राइटिंग ऑफ नोवेल सीक्वेंस इन 1906 नोन एज फोर साइड सागा, ठीक है। तो जो मास्टर पीस वर्क है जो इनका फोर साइड सागा है, ठीक है। और मैं बता दूं आप लोगों को, ये सबसे ज्यादा रिमेंबर किया जाने वाला वर्क है, सबसे ज्यादा रिमेंबर्ड है, ठीक है। द सीरीज स्टार्टेड विद द नॉवेल, जो सीरीज स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग में कॉल द नॉवेल था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906। इसके अलावा द लास्ट वन इज द सीरीज वॉज टू लेट, ठीक है, जो लास्ट वन था टू लेट, याद रखिएगा 1921। तो ये सारी चीजें मैं अलग से गास भर्ती पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत डिटेल से बताऊंगा। तो फोर साइड सागा के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में जो इनको इंपॉर्टेंस मिली बेटा वो फोर साइड सागा से ही मिली, ठीक है, याद रखिएगा। इनके कुछ और भी ड्रामाज हैं, सिल्वर बॉक्स है, स्ट्राइफ है, जस्टिस है, लॉयल्टीज है, ये सब इनके और भी वर्क हैं जो आप लोग को कराए जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, द स्टेटमेंट अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री रेफर्स टू, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और वैसे मैं पेड बैच में विलियम शेक्सपियर के कोट्स पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अब यहां आ गया है, ये कोट बेटा विलियम शेक्सपियर के लिए कहा गया है, किसने कहा है ये भी मैं बताऊंगा, ये जो कोट है ये किसने कहा है बताइए आप लोग, मार्लो के लिए कहा गया है, शेक्सपियर के लिए, जॉन मिल्टन के, रेफर्स टू किसको रेफर करता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये रिफर करता है विलियम शेक्सपियर को, किसको रिफर करता है गाइस, विलियम शेक्सपियर को, ठीक है। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, दूसरे तो जो है हमें क्वेश्चन में बांध देते हैं, लेकिन तुम्हारी तो जो कला है वो बिल्कुल फ्री है, वो किसी भी क्वेश्चन में हमें नहीं बांधती है, किसी भी दायरे में हमें नहीं बांधती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है मैथ्यू अर्नोल्ड का, किनका स्टेटमेंट है, मैथ्यू अर्नोल्ड का है, जो शेक्सपियर के लिए कहा गया है, और उनकी एक सोनेट है ऑन शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर, उसमें ये कहा गया है, ऑन शेक्सपियर में ये कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये रिटन है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, शेक्सपियर जो उनका वर्क है, और किसके लिए कहा गया है, शेक्सपियर के लिए कहा गया है। तो शेक्सपियर पर बहुत लोगों ने कमेंट किया है, ड्राइडन ने किया है, जॉनसन ने किया है, मार्लो ने किया है, बहुत से लोगों ने किया है, और पूरे जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं उसकी मैं अलग से लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे दूसरे तो जो है हमें क्वेश्चन में बांध देते हैं, दूसरे का सेंस यहाँ अदर्स का मतलब यहाँ दूसरे लेखकों से है, दूसरे राइटर से है गाइस, ठीक है। तो याद रखिए, लेकिन तुम्हारी तो जो कला है वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये शेक्सपियर के लिए कहा है। चलिए थैंक यू, आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। जिस बच्चे को पेड बैच ज्वाइन करना है लिटरेचर के लिए, ग्रामर के लिए, अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी का चल रहा है, पीजीटी का चल रहा है, ठीक है, जूनियर एडेड का बैच चल रहा है गाइस, यूपी टेट सुपर टेट सबका चल रहा है। कोरोना को देखते हुए 60% फीस ऑफ चल रही है, पीडीएफ फ्री है, सब कुछ आपको मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जिस बच्चे को फ्री में पीडीएफ चाहिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई पैसे आपको नहीं देने, कोई पैसे नहीं देने बेटा, राइट। चलिए, और अपनी योग्यता पर विश्वास रखिए, अपने टैलेंट पर विश्वास रखिए, टीचर एक सहारा देगा आपको, पूरा टीचर पे डिपेंड मत हो जाइए कि 8-10 हज़ार रुपये फीस रख दी आप जमा करे पड़े हो, कोई मतलब नहीं होने वाला है। 8-10 हज़ार रुपये देने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर आपके अंदर वो ऊर्जा वो आग नहीं पड़ेगी, ठीक है गाइस। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है, और ये जो संकट का समय चल रहा है इसमें हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगा। ऊपर देखें 8299752730 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे तुरंत तुरंत मुझे कॉल करें, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे तुरंत कॉल करें, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप मुझसे बातचीत करें, मुझसे पूछें। और जो लाइव सेशन हमारा 10:30 बजे रात में चलता था, 1 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ अपने चैनल पर भी, कुछ पेड में बिजी हूँ, कुछ अनअकैडमी पर बिजी हूँ, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।